लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। राज्य सरकार ने शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड SMB और शहरी मामलों के विभाग को थेम योंगमलोंग हरिजन कॉलोनी में निवासियों की स्थिति के बारे में जानकारी को फिर से सत्यापित करने का निर्देश दिया है। ये हाल ही में एक RTI क्वारी के जवाब में विसंगतियों के सामने आने की बात आया है, जिसमें कहा गया था कि 342 में से 148 परिवारों की पहचान अवैध निवासियों के रूप में किए गए थे। दबाव समूह इनिटिव यूथ काउंसिल HYC ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि केवल 194 परिवार मुख्य रूप से शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड और अन्य सरकारी कार्यालयों की कर्मचारी वहां रहते हैं। To learn that out of 342 families that were supposed to be shifted from Thum Yeu Mau Long to those dwelling units, we found that only 195 families have either a single member or two members who are employees of the SMB as well as of other government departments. उप मुख्यमंत्री क्रिस्टन तेनसोंग ने पिछले उदाहरणों की हवाला देते हुए सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां RTI की जवाब में आधिकारिक रिकॉर्ड से भिन्नती है। उन्होंने सटीक जानकारी की महत्व को रेखांकित किया और संभावित स्पष्टीकरण का संकेत दिया। RTI copy that they received, they said instead of 342, they found out that it was only 194 or something like that. So I told them, subjected to verification again. So I have already sent back this copy to the chief executive officer as well as to the director of the Urban Affairs Department, where they have to re-verify and then come back, give it the detail to. दूसरी ओर सरकार 7 मई को हरिजन पंचायत समिति के साथ एक बैठक बुलाने की योजना बना रही है, ताकि थेम योंगमलोंग निवासियों के पुनर्वास पर चर्चा की जा सके। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।